नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया है डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम का। डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने मधुमेह के विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलानंद सिंह। इस समय हम उनसे बातचीत करेंगे और आज जानेंगे, आज दो बिंदुओं पर डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत होगी। हमारे दर्शक ये जान लें कि हर मंगलवार को विमर्श न्यूज़ पर डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में हम डॉक्टर से बातचीत करके आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के और अपनी बात जरूर कहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। सबसे पहले डॉक्टर अखिलानंद सिंह का विमर्श न्यूज़ में बेहद स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आजकल दो बीमारियों से लोग ज़्यादा परेशान हैं, एक तो थायराइड है और एक डायबिटीज़ है। तो हम शुरुआत करते हैं थायराइड से। ये थायराइड है क्या और ये क्यों हो जाता है, इसके क्या लक्षण है, ये क्या है थायराइड? थायराइड एक्चुअली थायराइड ग्लैंड होता है जी। जो आपको गर्दन के सामने अवस्थित है जी। और इसका जब डिसफंक्शन होता है ये कार्य, यानी ये एक्चुअली थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, हार्मोन का जी, जो शरीर के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। लेकिन ये जब डिप्रेशन में जाता है, यानी वर्किंग इसका डिस्टर्ब हो जाता है बीमारी की वजह से या किसी भी कारण से, हेरिडिटरी कारण से, तो उस समय इसके कई लक्षण प्रकट हो जाते हैं इस बीमारी के। सबसे पहले तो सब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है, आवाज़ में तल्खियत आ जाती है, आवाज़ थोड़ी फटी फटी सी आती है। नंबर दो, पेशेंट वेट गेन करने लगता है, नॉर्मल वेट से वो बाहर जाने लगता है, धीरे धीरे वो काफ़ी मोटापे की ओर बढ़ता है जी। और नंबर थ्री, इसके वजह से चंद और तरह की बीमारियों पर इसका असर पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, इन सब बीमारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका इलाज होना चाहिए। अगर समय से इलाज नहीं होता है तो लोगों को ये सब परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। उसका मोटापा आ जाएगा, उसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ जाएगा। अच्छा, तो दर्शकों को हम ये बताना चाहें कि जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये गर्दन के पास, ये जो गले का ये जो हिस्सा है, इसी पर एक छोटा सा ग्लैंड है जो जिससे स्राव होता है, और वो शरीर को संतुलित रखने के लिए, हमारे पाचन प्रक्रिया को भी और भी उसको संतुलित रखने में मदद करता है। अगर इसमें डिसऑर्डर हुआ, अगर कुछ गड़बड़ी हुई, तो आपका मोटापा बढ़ने लगता है, गले में खराश जैसा महसूस करेंगे, आवाज़ में थोड़ा बदलाव आ जाएगा, और भी अनेक तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा मूनिंग ऑफ द फेस अगर वो और आगे बढ़ता है तो एक सामान्य चेहरा जो है वो चांद की तरह गोलाकार ले लेता है, मूनिंग ऑफ द फेस उसको कहते हैं, वो भी होता है थायराइड में, और वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इन सब कारणों को देखते हुए इसका इलाज समय रहते, और इसका बहुत साधारण इलाज है, इसकी जांच कराएं। अगर ये डिसफंक्शन में थायराइड अगर काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो उसके लिए हम लोग दवा देते हैं जी। हम अपने दर्शकों को ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि अगर थायराइड किसी को है, महसूस हो रहा है, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, तो कौन सी जाँच करा के थायराइड की पहचान की जाए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, जिसको TSH कहते हैं, T1, T3 और TSH, ये तीन जांच होती है, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो अगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि थायराइड डिप्रेशन में है, थायराइड काम नहीं कर रहा है। अगर T1 और T3 बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि ओवर एक्टिव है ये थायराइड हमारा, वो उसका फिर अलग इलाज है। ओवर एक्टिव अगर हो जाएगा थायराइड तो वो आदमी बहुत दुबला पतला रहेगा, कितना भी खाना खा लेगा लेकिन उसका वजन वहीं पर रहेगा, हाँ वजन घटने लगता है, और इस तरह से वो तरह तरह की बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है।
डॉक्टर साहब, क्या ये महिलाओं को ही होता है या पुरुषों को भी होता है? महिलाओं में ये अधिक होता है, पुरुषों में कम। जहाँ तक मुझे याद है कि रेशियो जो है 80-20 का है, 80% महिलाएं इसकी विक्टिम हैं, इससे सफ़र करती हैं, और 20% ही मेल को थायराइड डिसफंक्शन होता है। तो ये क्या महिलाओं में उनके पीरियड्स की अनियमितता के कारण या दूसरे उसके दूसरे भी कारण हैं, या उसमें भी कोई डिसऑर्डर होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये सिर्फ ग्लैंड की ही डिसफंक्शन है जी। जी, तो अगर ये पता चल गया कि जांच के बाद कि अगर आपको थायराइड है, तो डॉक्टर साहब ये आम बात है कि लोग कह रहे हैं कि ये आजीवन इसकी दवा खानी पड़ती है। हाँ, इसकी दवा बहुत दिन तक आजीवन भी खाना पड़ सकता है जी। उसका लेवल, दो लेवल होता है। अगर थायराइड TSH बढ़ा हुआ है, जो अधिकतर लोगों में होता है, इस मोर देन 80-90% को TSH बढ़ा ही मिलेगा आपको जी, जी। और कुछ 10% को वो TSH घटा हुआ मिलेगा जी, जी। तो TSH बढ़ने के स्थिति में जो दवा हम लोग यूज़ करते हैं, उसको खाली पेट में सुबह सुबह लेना रहता है, और डिपेंड करता है कि वो लेवल कितना है। तो 25 से ले करके और 150 मिलीग्राम तक पर डे हम लोग दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके लेवल पर। और अगर वो घटा हुआ है और T3, T4 बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको एंटीथायरॉक्स दवा देते हैं, और उससे उसका थायराइड डिसफंक्शन करेक्शन में होता है। चलिए, हमारा जो ये इंटरव्यू है, ये कार्यक्रम देखकर अपने से कोई दवा लेने की कोशिश मत करिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। डॉक्टर अखिलानंद सिंह श्री कृष्णा नगर में बैठते हैं। अगर आपको थायराइड जैसी कोई बात महसूस हो रही है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, शरीर में वजन बढ़ रहा है, गले में कुछ गड़बड़ी लग रही है, और इस तरह के कुछ हैं लक्षण, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। डॉक्टर से मिलकर जांच कराकर ही दवा लीजिए। अभी तो डॉक्टर साहब ने आपको ये बताया कि अगर ऐसा है तो आप ये दवा ले सकते हैं, लेकिन अपने मन से कोई भी दवा नहीं लीजिए। हम इसके साथ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, ये लक्षण जो हैं, क्या थायराइड कोई खतरनाक बीमारी के रूप में बदल सकता है? हाँ, अगर वो डिसफंक्शन कंटिन्यू करेगा तो थायराइड का कैंसर भी संभव है। अच्छा, इसलिए उसको समय रहते देख लेना चाहिए, इलाज करना चाहिए, ताकि उसे उतने भयंकर बीमारी से बचा जा सके। महिलाओं को, मैंने इसमें क्या ऐसा भी है कि कोई चीज़ खाने से इस ये बढ़ जाता है, या नहीं खाने से इसमें कोई परेशानी? ऐसा कुछ है नहीं जी। ऐसा कुछ दवा, कुछ फूड स्टफ लोग बोलते हैं कि ये, लेकिन ऐसा कुछ साइंटिफिक रीजन नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब, थायराइड बीमारी जिन लोगों को है, उन लोगों के बारे में अगर आप कहेंगे कि वो अपना जीवन शैली उनको सुधार कर रखना है, या क्या कुछ करना है दवाओं के अलावा, और वो क्या करें? नहीं, सभी बीमारियों के जड़ में लाइफ स्टाइल ही है, जीवन शैली ही है जी। इसलिए अपने जीवन शैली को सही रखना चाहिए। समय से उठना है, समय से ब्रेकफास्ट नाश्ता लेना है, समय से एक्सरसाइज करना है, फिजिकल वर्क भी जी। क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैड फूड हैबिट और लग्जरियंट लाइफ, ये सब बैड लाइफ स्टाइल में आता है, और उससे तरह तरह की बीमारी होती है। थायराइड ही नहीं, कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर से ये थायराइड हेरिडिटरी ज़्यादा है, बनिस्पत एक्वायर्ड। अच्छा, मैंने वंशानुगत है किसी, हाँ, अगर परिवार में किसी को पहले हुआ है तो हो सकता है। हो सकता है, इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जी। तो ये थी डॉक्टर अखिलानंद सिंह की राय कि अगर आपको थायराइड है तो इन चीज़ों की जांच कराइए, और उसकी दवा लीजिए, और तुरंत आप सतर्क होइए, क्योंकि ये बीमारी आगे बढ़ के, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये कैंसर तक जा सकता है। हालांकि हर केस में वो कैंसर ही हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप सतर्क रहिए, उसकी दवा लेना शुरू करिए, तब आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हम अगले एपिसोड में डॉक्टर अखिलानंद सिंह से बातचीत करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है,
और आजकल डायबिटीज़ को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां जो हैं उसका कुछ उसका हम समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।